तो दोस्तों कई बार आपको भी अपनी डेली लाइफ में इस तरह के सेंटेंसेस बोलने को या फिर सुनने को मिले होंगे, जैसे कि कैसे ना कैसे करके मैं उसकी औकात उसे दिखा दूंगा, या फिर कैसे ना कैसे करके मैं उसे राजी कर लूंगा, या फिर कैसे ना कैसे करके बस तुम चले जाना। तो इस तरह के जो सेंटेंसेस होते हैं जिनमें हम बोलते हैं कैसे ना कैसे करके, तो इसको हम हिंदी से इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे, चलिए देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे इस तरह के सेंटेंसेस को बनाने वाले स्ट्रक्चर के ऊपर, जिसमें आपको यूज करना है बाय हुक और बाय क्रुक। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है कि किसी काम को आपको करना ही है, चाहे आप साम दाम दंड भेद कुछ भी अपनाएं, लेकिन आप उस काम को करके रहेंगे तब आप बाय हुक और बाय क्रुक का यूज करेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपको लिखना है अपना सेंटेंस, उसके बाद लास्ट में लिखना है आपको बाय हुक और बाय क्रुक। तो इस तरह से इसका मीनिंग निकलेगा कि कैसे ना कैसे करके, यानी कि अब किसी भी तरह से जुगाड़ लगाकर कुछ भी करके वो काम आप करेंगे ही करेंगे, तब आपको ये वाला स्ट्रक्चर यूज करना है। तो चलिए एग्जांपल्स की हेल्प से और अच्छे से समझते हैं। पहला एग्जांपल देखिए क्या होगा, कैसे ना कैसे करके मैं उसे उसकी औकात दिखा कर रहूँगा। आई विल शो हिम हिज वर्थ बाई हुक और बाई क्रुक। आई विल शो हिम हिज वर्थ, ये आपका सेंटेंस है, उसके बाद जो स्ट्रक्चर है वो मैंने लिख दिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए क्या होगा इसमें, कैसे ना कैसे करके मैं उसे राजी कर लूंगा। आई विल परसुएड हिम बाई हुक और बाई क्रुक। तो इस तरह से आप इस स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं, कैसे ना कैसे करके मैंने काम कर दिया है, आई हैव डन वर्क बाई हुक और बाई क्रुक। तो इस तरह से फ्रेंड्स इस स्ट्रक्चर का यूज आप करेंगे। तो चलिए अब बात करते हैं आज के सवाल के बारे में, जो कि आपको इस स्ट्रक्चर पर भी एक दिया जाता है। तो आज का सवाल है, कैसे ना कैसे करके मैं इंग्लिश सीख जाऊंगा। तो इसको आपको ट्रांसलेट करके कमेंट बॉक्स में आंसर इसका देना है। तो फ्रेंड्स अब बात करते हैं, फ्रेंड्स जो हमारी चैनल पर ईबुक आने वाली थी वो आपकी आ गई है, और उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसमें आपको सभी एडवांस स्ट्रक्चर जो हमारे वीडियो में बोले जाते हैं विद एग्जांपल्स दिए गए हैं, और उसके अलावा idioms, phrases, daily use sentences और important prepositions और conjunctions, ये सारे टॉपिक भी इसमें कवर किए गए हैं। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाकर आप इसे परचेज कर सकते हैं। थैंक यू।